पानी में डूबने वाले व्यक्ति का तो घर छूट जाता है, बच्चे, पैसा, पत्नी, लेकिन संसार में जो डूब जाता है उसका तो सर्वेश्वर छूट जाता है। ज़्यादा घाटा नहीं है, ज़्यादा कोई घाटा नहीं है। पानी में डूबने वाले का तो पैसा, परिवार छूट जाता है, लेकिन संसार में डूबने वाले का तो सर्वस्व छूट जाता है। दिल में ईश्वर है कि जगत है, दिल में भोग है कि भगवान है, जिसको कभी कभी देखना चाहिए गहराई से, एकांत में, ईमानदारी से। भोग है तो विहित इच्छा से है कि निश्चित से भी पाना चाहते हैं, पाने के बाद कहीं फुल स्टॉप भी है कि और भी चाहिए। जरा खोजना चाहिए, विवेकी मनुष्य को तो खोजे बिना नहीं रहना चाहिए। विवेकहीन आदमी तो एक दिन सब छोड़ देता है। तुलसीदास जी कहते हैं, विवेकहीन व्यक्ति के लिए जो न तरे भव सागर, नर समाज असपाई, सोकृत निंदक मंद मति, आत्महन अधोगति जाए। वो आत्महत्यारा है, अधोगति को जाता है, ऐसा तुलसीदास कहते हैं। मनुष्य जन्म पाकर, बुद्धि पाकर यदि भगवान में चित्त को नहीं स्थापित किया अथवा हृदय में भगवत शांति और भगवत आनंद नहीं पाया तो फिर कब पाएंगे और कैसे पाएंगे? जो संसार के तरफ लगे हैं, यदि सच्चाई से लगे हैं तो उनको वैराग होता है। ईमानदारी से जो संसार के तरफ लगता है ना, उसको वैराग्य होता ही है। वैराग्य नहीं लगता होता है तो समझो कि ईमानदारी से संसार का व्यवहार नहीं है। निष्काम कर्म का अर्थ ये है कि तुम्हारे जीवन में आप तक काम की प्यास पैदा हो जाए। निष्काम तुम कर्म करते हो तो परम निष्कामी परमात्मा जैसा तुम्हारा स्वभाव अंदर से प्रकट होने लगेगा। क्योंकि भोगों में चार दोष हैं, वे सदा मिलते नहीं। भोगों में चार दोष हैं, वे सदा मिलते नहीं। सदा मिलते नहीं, फिर इंद्रियों में उनको भोगने का बल सदा रहता नहीं और मन में उनकी रुचि सदा नहीं रहती और भोगता सदा नहीं रहता। या तो भोगता मरता है, या तो रुचि मरती है, या तो भोग नाश होता है। निष्काम कर्म करने वाले के चित्त में एक प्रकार की समझ प्रकट होती है कि आखिर कब तक, आखिर ये क्या। वो निष्काम कर्म तुमको परमात्मा के तरफ प्रेरित कर देंगे। यदि जीवन में परमात्मा के लिए टाइम नहीं है तो बड़ी हानि होती है। अंत में पानी में डूब जाना, रेलवे के नीचे कुचल जाना, आग में जल जाना, तो एक बार मौत देता है। लेकिन जो संसार में डूब जाता है, संसार में कुचल जाता है, राग दोष की अग्नि में कुचल जाता है, वो न जाने कितनी बार बेचारा मरता रहता है, जीता रहता है। हो सकता है कि ईमानदार व्यक्ति व्यवहार में थोड़ा धनवान कम दिखे, लेकिन उसकी अपनी हृदय की सच्चाई उसको बड़ा साथ देती है।
पशु के लिए अपनी सच्चाई छोड़ने वाले व्यक्ति तो पशु की नहीं जन्मते हैं बाद में मरते हैं। जिसके हृदय में सच्चाई है वो भोगों से भले थोड़ा बहुत वंचित रहेगा, और भोग ज़्यादा होना कोई सौभाग्य की निशानी नहीं है, ये तो दुर्भाग्य की निशानी है। जिनके पास ज़्यादा धन वैभव है समझो वो अभागे है। जिनके पास ज़्यादा धन वैभव ऐश आराम है समझो वे लोग अभागे हैं, क्योंकि उनको आदत पड़ जाएगी संसारी पदार्थों की। वो एकांत मौन संत सत्संग संत सानिध्य नहीं पा सकते। रामायण में आता है उमा तिनके बड़े अभाग, उमा तिनके बड़े अभाग जे नर हरि तजी विषय बजाई। जे हरि को छोड़कर आत्म शांति को छोड़कर शुभ अशुभ का विचार के बिना बस हाय 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 वस्तुओं के पीछे धन के पीछे लगते हो बड़े अभागे होते हैं। और कोई भी भोग कोई भी संसार का सुख दिल को दाव पे लगाए बिना आता ही नहीं। आपके हृदय को दाव पे लगाओगे उस जो चीज़ों के साथ तन्मय होगे तभी सुख मिलेगा, लेकिन सदा नहीं, टूट जाएगा। या तो इंद्रियां थक जाएगी, या तो वृत्ति उब जाएगी, या तो भोक्ता गायब हो जाएगा तामस हो जाएगा, या तो भोग नष्ट हो जाएगा। इसीलिए जितना जिसके जीवन में भोगों का बाहुल्य है उतना उसका जीवन कालांतर में वृक्ष पशु आदि योनियों में जाता है, क्योंकि भोग एकांगी प्रीति होती है। पुत्र में परिवार में मित्र में साथी में तो उभय प्रेम होता है। गिजू भाई को प्यार तुम करो तो गिजू भाई तुमको प्यार करेंगे, लेकिन तुम रोज के 100 रुपये को प्यार करो तो 100 रुपया तुम्हारे को प्यार नहीं करेगा। तो रुपए पैसे जो हैं अथवा धन वैभव और कोई संभोग हैं जो जड़, उनमें तो भोक्ता को पूरा अपने को खपाना पड़ता है। यदि गिजू भाई की अपेक्षा आत्मा में प्रीति हो तो वो अंतर्यामी का हजार हजार गुना चेतना है, वो हमारी प्रसन्न का स्वभाव हमारे अंदर मिलता है। मित्र का संबंध करने से मित्र के संस्कार आते हैं, जड़ पदार्थों का संबंध करने से जड़ाकार वृत्तियां बनती हैं। वृत्ति जड़ी भाव को प्राप्त होते होते उसको आदत पड़ जाती, मरने के बाद फिर वही वृत्ति जड़ी भाव को प्राप्त हो जाती है तो उसकी बुद्धि विकसित नहीं होती, तो वो अंतःकरण पेड़ होकर पृथ्वी पे ताप सहता है, कुहाड़ियाँ सहता है, पत्थर सहता है, आंधी तूफान सहता है, और जबरन उसके द्वारा प्रकृति परोपकार करवाती है। जो जबरन परोपकार करता है उसको ज्ञान नहीं होता, लेकिन जो समझकर परोपकार करता है उसका हृदय शुद्ध होता है, और शुद्ध हृदय में परमात्मा की प्यास पैदा होती है। तो निष्काम कर्म का फल यह है कि तुम्हारा अंतःकरण जागृत हो जाए। जान है जीव तब जागा, हरिपद रुचि विषय विलास विरागा। विषयों में विलास में ऐश आराम में धन संपदा और वाहवा में मन लग रहा है तो समझो आप सो रहे हैं, आपकी नींद करवट ले रही है। एक पड़खे सो गया था वह बीच भी पड़खे होंगे, लेकिन नींद चालू है, आप जगने की तरफ नहीं जा रहे। जगने की तरफ जा रहे हैं ऐसा देखना हो तो आपको संसार में रुचि है, धन बढ़ाना है कि हमें हमारे सात्विक पैसा नहीं जरूर छ परमात्मा की जरूरत ज़्यादा है कि पैसा की जरूरत ज़्यादा है। लोग बोलते हैं आपको भगवान की दया है, बाबा जी आपकी दया है, हमारे को इतना इतना है, एक नंबर का और थोड़ा बहुत दो नंबर का है। हम बोलते हैं भैया तो एक दो नंबर तो दो नंबर है, लेकिन जिसको एक नंबर का बोलता है ना वो भी दो नंबर का ही है, तो उसमें भी कोई सार नहीं है। दो नंबर तो दो नंबर है ही है, लेकिन एक नंबर भी दो नंबर का ही है। एक नंबर तो मेरा परमात्मा है, बाकी सब दो नंबर का है।
ओ सात्विक पैसा चाहिए, 100 रुपया रोज मळे छे, बीजू कमीशन मां दोड़ा दोड़ी करवी पड़े छे, जरा देश नो समाज नो सारू करी आपे भले सात्विक पैसो मळे छोकराओ माटे भले एम राखो, लेकिन पता नहीं है कि आयुष्य क्या पता कितनी है। जितना बहिर्मुख होंगे जगत में वृत्ति बिखरेगी, उतना फिर समेटने में समय लगेगा, और समेटे बिना अंत नहीं है, जीवन का अंत आ जाएगा, मौतों का अंत नहीं आएगा, ये शरीर का अंत हो जाएगा, फिर दूसरा मिलेगा उसका भी अंत हो जाएगा, जीवनों का अंत होता जाएगा लेकिन मौतों का अंत न होगा। इसलिए गुरु लोग की दृष्टि हम लोगों के स्वभाव को भी जानते हैं, स्थिति को, और परमात्मा को भी जानते हैं, वो बॉर्डर पे खड़े हैं, तो हमारी स्थिति देखकर उनको बड़ी गहरी करुणा होती है भीतर, क्या आओ गाड़ी हंडे तो क्यों जिन पोक्ष है, हम जो गाड़ी हेडे जैसे तो क्यों जिन पोक्ष है। नचिकेता को यमराज ने कहा कि तेरे को 1 नंबर का धन देता हूँ, राज्य देता हूँ, 100 रुपये के लिए दौड़ना नहीं पड़ेगा, पूरा राज्य। बोला राज्य मिलेगा फिर पड़ोसी राजा युद्ध करेगा तो दुख हो जाएगा। बोले अच्छा चक्रवर्ती राज मिले, चक्रवर्ती राज्य हो पत्नी लड़ाकू हो तो फिर भी सुख नहीं रहेगा। बोले अच्छा पत्नी भी ठीक मिले, बोले पत्नी तो ठीक होगी लेकिन बेटा नहीं हो तो। बोले बेटे भी होंगे तेरे, बोले बेटे अच्छे ना हो लल्लू पंजू जैसे हो बोगा बोगला थाए तो पछी मजा ना आवे, कि नहीं छोकरा भी अच्छे होंगे, छोकरे अच्छे होंगे उनको लाडी नहीं मिले तो भी चिंता, बोले लाडी भी अच्छी मिले ये अच्छा, तो फिर ये सब होगा। और हमारी हयाती में लाडी का किका अथवा मेरा किका चल बसे तो, बोले तुम्हारी हयाती में किसी की अपमृत्यु भी नहीं होगी, लेकिन फिर ये 100 वर्ष की आयुष्य भोग कर सबको छोड़ के तो मर जाना पड़ेगा। बोले अच्छा तुमको 1000 वर्ष की आयुष्य देते। तो नचिकेता बोलता है कि यमराज बड़े दयालु हैं आप, लेकिन अंत में तो 1000 वर्ष की आयुष्य के बाद भी तो मरना पड़ेगा, 25-50 साल की आयुष्य भोगते हैं तो आसक्ति हो जाती है छोकरा के लिए, धन के लिए, कुटुंब के लिए, हम जो 1000 साल जिएंगे तो कितनी आसक्ति हो जाएगी, 25-50 साल इस घर में रहते हैं तो इतना मोह ममता हो जाता है, यदि 1000 साल जिएंगे तो फिर तो मरने में बड़ी मुसीबत होगी, इसलिए ये मरने वाले शरीर और मरने वाले पदार्थ आप और किसी को दे दो, मेरे को आत्मज्ञान दे, मेरे को आत्मज्ञान देना। ऐसा भारत का एक नन्ना मुन्ना लड़का मांगनी करता है, लड़का था ना समझ रहा होगा उसीलिए ऐसा मांगा, अपन लोग तो सब समझदार हैं वो तो लड़का था ना समझ रहा होगा ये सब मांग लेता आत्मज्ञान छोड़कर, नहीं नहीं वो जानता था कि पानी में डूबेंगे तो पत्नी और परिवार छूटेगा, लेकिन संसार में डूबेंगे तो सर्वस्व छूट जाएगा। ओम 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 ओम। तो 2 प्रकार के लोग होते हैं, एक तो दूसरे के परिश्रम से भोग भोगना चाहते हैं, क्रिया नहीं करते हैं, और मुफ्त का खाना सत्यानाश ज्ञान है। दूसरे ऐसा है कि परिश्रम करके सच्चाई से ईमानदारी से भोग भोगना चाहते, तो जो ईमानदारी से परिश्रम से भोगना चाहता है वो पहले वाले की अपेक्षा अच्छा आदमी है, सज्जन है, ठीक छे, शाबाश, लेकिन केवल ठीक और शाबाश से काम चलता नहीं, जीवन में परिश्रम से भोग भोगना अथवा मुफ्त का भोग भोगना, सच पूछो तो भोग हम नहीं भोगते, भोग हमको भोग के जाते। भरतरी महाराज लिखते हैं भोगान भुक्तम वयमेव भुक्ता,
कालो न याति वयमेव याता तृष्णा न जीर्णा मयमेव जीर्णा तपो न तप्तम मयमेव तप्ता। हम क्या रुपयों को कमाएंगे, रुपए हमको कमा के खत्म कर देते हैं। नोट तो घूमते रहते हैं, वस्तुएं तो इधर पड़ी रहती हैं। दुनिया के मजे हरगिज कम न होंगे, चर्चे यही रहेंगे, अफसोस हम न होंगे। ये प्लेन और ये गाड़ियां और ये वो सब रहेगा, कहीं नष्ट भ्रष्ट हो जाएगा, फिर बनेगा, फिर रहेगा, लेकिन हमारा मनुष्य जन्म नहीं रहा तो हमारे लिए तो सर्वनाश हो गया। इसलिए तीसरे प्रकार के लोग होते हैं, न बने बनाए भोग, परिश्रम से भी भोगने भोगना चाहते हैं, लेकिन जिनके पास भोगों की बाहुल्यता पड़ी है उसको भी ठोकर मार के चले जाते हैं। जैसे बुद्ध, महावीर, ज्ञानेश्वर, नानक, कबीर, रामकृष्ण देव, विवेकानंद, उनके पास तो सुविधा थी, बुद्ध और महावीर के पास, उन सुविधाओं को भी छोड़कर, भोगों की सुविधा को छोड़कर परमात्मा के तरफ लग पड़े। ये परम विवेकी है। और जब तक अपना विवेक अंदर से जगता नहीं है तब तक, कबीर जी कहते हैं, चिंता कहो चिंतन कहो, चिंता ऐसी डाकनी काटी कलेजो खाए, वैद्य बेचारा क्या करे कहाँ तक दवा लगाए। ऐसे चिंतन चिंतवन ऐसी डाकनी काटी कलेजो खाए, साईं बेचारा क्या करे कब तक सत्संग सुनाए। तो फिर हमारा चित्त भी कभी कभी परमात्मा की विश्रांति में होता है तो इच्छा नहीं होती बोलने की, समझदारों के लिए इशारा काफ़ी हो जाता है। अब ईश्वर की विश्रांति छोड़कर बोलना भी कब तक। कभी तो ऐसे ही होता है कि बस मौन में गुजर जाए सप्ताह, दिन, घंटा, दो घंटा, पाँच घंटा, पाँच दिन, पंद्रह दिन, जितना गुजर जाए अच्छा ही है। ओम 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 ओम, उसको छोड़कर अब क्या बोलना, उसके सिवाय भी क्या बोलना, उसके लिए बोला जाए तो ठीक है, अन्यथा क्या बोलना। ओम 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 ओम। तो कुछ लोग ऐसे होते हैं कि जिनके पास भोग की सामग्री होते हुए भी विवेक है, निष्काम कर्म किए हैं, कुछ शुद्धि है जीवन में, कोई सच्चाई है, तो उन्हें भोग चाहते नहीं हैं, परमात्मा चाहते हैं। तो वे लोग जप करते हैं, प्राणायाम करते हैं, ध्यान करते हैं, सत असत का विवेक करते हैं, चिद अचिद का विवेक करते हैं। चिद माना चेतन, अचिद माना जड़। जड़ क्या है, चेतन क्या है, सत्य क्या है, असत्य क्या है, शाश्वत क्या है, नश्वर क्या है, मेरा क्या है, मेरे साथ क्या हो सकता है और मेरे से छूटेगा क्या। इस प्रकार का जब विवेक करते हैं तो उनको सब फीका फीका लगता है। और परमात्मा के रस में, एकांत में, मौन में, संतों के सानिध्य में उन्हें बड़ा सुख मिलता है। भोगी को हजार हजार भोग भोगने पर जो सुख नहीं मिलता, वो ऐसे विवेकियों को महापुरुषों के सानिध्य में बैठने मात्र से सुख मिलता है। और उस सुख के अभ्यास के कारण फिर वे अकेले में बैठते तभी भी सुख मिलता है। भोगी अकेला नहीं बैठ सकता है, लेकिन योगी को भीड़ अच्छा नहीं लगता, योगी का सुख स्वतंत्र हो जाता है। ओम 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 ओम। मैं सुनाया करता हूँ महाभारत की एक घटना। भगवान कृष्ण, युधिष्ठिर, अर्जुन एक बार घूमते घामते किसी महापुरुष के दर्शन को गए, घने जंगल में पहुँच गए। पानी के झरने के समीप एक किसी साधु की झोंपड़ी थी, चारों तरफ सन्नाटा था, जैसे मानो शांत ब्रह्म अपने आप में तृप्त हो, पक्षी अपनी मधुर गीत गुंजाते थे निष्कंटक।
हवाएं बहती थी, कोई हवाओं में कोलाहल न था, कोई वासना वाले के वाइब्रेशन न थे। गए उस शांत अरण्य में, एकांत वासो लघु भोजनादौ। आहा, सौभाग्य होता है वो आदमी पहुंचता है। कृष्ण युधिष्ठिर अर्जुन गए, महात्मा के दर्शन किए। घड़ी भर में सब लोग रोने लग गए, चारों के चार खूब रोए। अलिमिट तो परमात्मा की होती, बाकी सबकी लिमिट होती है। रोने की भी लिमिट होती है, सीमा होती है। हंसने की भी सीमा होती है, खाने की भी सीमा होती है, सोने की भी सीमा होती है, झूठ बोलने की भी सीमा होती है, सत्य पर रहने की भी सीमा होती है, नेतागिरी करने की भी सीमा होती है, साधुता ही करने की भी सीमा होती है। असीम तो एक परमात्मा है, बाकी सब ससीम है। जिसको इसी जन्म में संसार से पार होना हो, उसको ईश्वर की और नाम की पुस्तक बार बार पढ़ना चाहिए। ईश्वर की और कुछ साधक लोग आए अवसर, बोले बापू आपने ईश्वर की और पुस्तक प्रकाशित करके आपने अपना सब काम पूरा कर दिया है। मैं क्या सच्ची बोलते हो, ईश्वर की और वो पुस्तक बार बार पढ़ना चाहिए। ईश्वर की और जो पुस्तक प्रकाशित हुई है उसको बार बार पढ़ना चाहिए। यदि संसार से मन को प्राम करके भगवान में लगाना हो तो, नहीं तो नहीं, नहीं तो फिर देखोगे खतरा है। जिसको आत्मसुख चाहिए, जिसको अपना सौभाग्य चमकाना है, अपने कुल को तारना है, 21 कुल का उद्धार कर लेना हो, वे लोग पढ़ें, दूसरे ना। बराबर। तो युधिष्ठिर महाराज और ये चारों चार खूब रोए। आखिर चुप हुए तो अर्जुन ने पूछा कृष्ण को, कहे क्यों रोए सब? तो युधिष्ठिर को अर्जुन को कृष्ण बोलते कि तेरे भाई से पूछ। युधिष्ठिर से पूछा कि भाई तुम क्यों रोए? युधिष्ठिर बोलता कि गुरुजी से पूछो संत क्यों रोए। हम तो रोए, संसारी हैं, जीव हैं, रोए, लेकिन बाबा जी ये क्यों रोए? बाबा जी ने कहा मैं उसलिए रोया, कहा मेरा एकांत घर बार पत्नी परिवार छोड़कर आश्रम और व्यवहार को छोड़कर एकांत में आया हूँ आत्मानंद लेने के लिए। और ऐसी एकांत सन्नाटे में अभावग्रस्त जगह में आया हूँ, शारीरिक आवश्यकताओं का पूरा अभाव है परमात्मा खत सद्भाव पाने के लिए। उस बीच युधिष्ठिर जैसे और कृष्ण जैसे प्रसिद्ध व्यक्ति आ गए हैं, मेरा कोई दुर्भाग्य है, मेरा कोई दुर्भाग्य है कि युधिष्ठिर जैसे प्रसिद्ध व्यक्ति आने लगे हैं, अब समय खराब हो जाएगा, इसलिए रो रहा हूं। युधिष्ठिर से पूछा तुम क्यों रोए? युधिष्ठिर बोलते मैं उसलिए रोया, कहां तो मनुष्य जन्म की आत्मानंद पाने की चांस, और कहां हम मेरे तेरे हम दीदा दीदा लीदा दीदा करके मरने वाले जंजाली जीवड़े। मेरे हस्तिनापुर के इलाके में आया हुआ जंगल और ब्रह्मवेता संत रहता है, बार बार उसके दर्शन करने का भी सौभाग्य नहीं होता। हम कैसे पामर लोग हो गए, मूर्खों के संग में हमारा विवेक नाश हो रहा है। पामर व्यक्तियों के, लोभियों के, संसार में लंपट्टू लोगों के संपर्क में अधिक समय साधक भी रहता है ना, तो साधक की भी अपनी योग्यता क्षीण होने लगती है। वशिष्ठ बोलते हैं राम जी, असाधु का पुरुष यदि साधु पुरुष भी करता है तो साधु भी असाधु होने लगता है, और साधुओं का संग असाधु कर ले तो असाधु भी साधु होने लगता है। साधु का अर्थ है जो परम कार्य साध रहे हैं वो साधु हैं। असाधु वे हैं कि अस्थिर संसार के पीछे जो समय लगा रहे हैं, ऐसे पुरुषों का अधिक समय हम संग करते ना तो हमको भी लगता है कि आपड़े भी आटलू तो करवू जो ये, थोड़ू तो कर लेव जो ये, अहीं मकान बांधी लेव जो ये, अहीं थी आटलू हम कर लेव जो ये, आ चांस गुमावो ना जो ये, रोज ना 100 रुपया मळे 2-5 कलाक जवू जो ये। अरे रोज के लाख रुपये भी तुम्हारे काम के नहीं है, वो 100 रुपये के 700 में हम 7 दिन छोड़ सकते हैं, 7 दिन ध्यान नहीं कर सकते। तो ये हम पामर लोगों के संग में आते हैं, उसी लिए अपने आप को हम धोखा देते हैं।
जब आप गहराई में जाओगे ना तो आपको पता चलेगा कि हमने 25 साल ऐसे ही गंवा दिए, 40 साल ऐसे ही गंवा दिए। आपको जब साक्षात्कार होगा ना तो आप पीछे के जीवन पर आपको आश्चर्य होगा, ग्लानी होगी कि मैंने कैसा, कितना खजाना मेरे पास था और मैंने कैसे कोड़ियों को गिनने और रखने में ही अपना जीवन बर्बाद कर दिया है। मैं करूँ तो वो आंधड़ोपन नहीं करे हो, घर में खोई बैठो तो घर धनी नहीं, आपको ऐसा लगेगा। आप अपना धन जब पाएंगे ना तो आपको लगेगा क्या है ये पोथे पढ़ पढ़ के मैं हकीम हुआ, डॉक्टर हुआ, वकील हुआ, हाय रे हाय। ऐसे तो कई डॉक्टर हैं मर जाते हैं, मैं अपना खजाना छोड़कर इसी में समय गंवाया, व्यापारी बना, ये बना है। आपको एक बार साक्षात्कार होगा ना तो आपको आश्चर्य होगा, जनक जैसा व्यक्ति आश्चर्य से भर जाता है, अहो गुरु परम आश्चर्य। सम्राट था जैसे जैसे व्यक्ति तो नहीं था कि उसको आश्चर्य हो जाए छोटी छोटी बात पर। जनक बोलता है अहो गुरु परम आश्चर्य, मैं इतना समय मोह में व्यतीत कर रहा था। उसका बयान नहीं है, जिस समय आपको अपना खजाना मिलता है ना उस समय आप कितना आश्चर्य में हो जाते हैं। आश्चर्य हो जाना उसी का नाम समाधि है। लागी समाधि ध्यान नहीं, ढाई दिवस होश नहीं आया। होश कैसे आएगा कि क्या थे खांड वाला से ये वो, और अब क्या है, इतने दिन क्या जख मार रहे थे, हाय रे हाय। जैसे नितांत अंधेरे में से आदमी आके एकदम प्रकाश में आ जाए तो आंखें उसकी बंद हो जाती, ऐसे ही परम प्रकाश परमात्मा का जब साक्षात्कार होता है तो लगता है कि हाय रे हाय हम क्या कर रहे थे, हम क्या कर रहे थे और अपने को चतुर मान रहे थे। हम जब दुकान पे थे तो अपने को बेवकूफ थोड़े मान रहे थे, बहुत कुशल मान रहे थे, चतुर मान रहे थे। अभी आप दुकान में डॉक्टर हो, कोई वकील है, कोई नेता है, कोई एमपी है, कोई कुछ है, तो अपने को ऐसा थोड़े मानते हो कि हम मूर्खता कर रहे हैं, मान रहे हैं कि हम ठीक कर रहे हैं। बिल्कुल सच्चाई का, ईमानदारी का, परिश्रम का पैसा लेके अपना लोगों का थोड़ा सेवा कर रहे हैं, हम बहुत अच्छा कर रहे हैं। जब परमात्मा का साक्षात्कार होगा तो तब पता चलेगा कि ये बेवकूफ़ी के दिन थे, क्षमा करना, फिर पता चलेगा कि ये बेवकूफ़ी के दिन थे। इसलिए महापुरुष अपने उस महिमा को जानते हैं, ईश्वर की उस गरिमा को जानते हैं तो हमारे परम हितेशी होते हैं, और हम जब नादानी करते तो हमारे पर थोड़ा बहुत खिंच भी जाते हैं, खिंच जाते हैं उस समय लगते हैं कि बापू जो हमने गोदा मारे छे, लेकिन ये कोई दुश्मनी के गोदे नहीं, परम करुणा के गोदे हैं, परम कृपा के गोदे हैं। और ऐसे गोदे यदि तुमको गोदे लगते हैं तो उनको धन्यवाद। कबीर ने भी ऐसे गोदे लोगों को मारे तो लोग उब जाते थे, क्या तो लोगों ने बच्चे जाइए छे तेरे बापू छोले छे। फिर कबीर को साखी बनानी पड़ी होगी, दुर्जन की करुणा बुरी, भलो साईं को त्रास, हम तुम्हें त्रास भी दें, तुम्हें डांटे, तुम पर अपना गुरुपद का वीटो पावर भी चला दे, फिर भी तुम भूल कर भी दामन मत छोड़ना। अपने तो के कंटाड़ो आवे छे, હું આમાં ભીડમાં માનતો નથી, હું આમ નામદાન લીધું કે હવે બાપુના વંદન કરીને બારો બાર ભાગ્યા, પણ તે છેવટે ડાટ્યું છે શું ડોક્ટર? ઓ દુર્જન કી કરુણા બુરી, ભલો સાઈ કો ત્રાસ, સૂરજ જબ ગરમી કરે તબ બરસન કી આશ। ઓમ 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 ઓમ।